बेस में चाहिए। अब इसको चलाने का क्या तरीका है, इसमें एक सील लग रही है, ये टूट जाएगी। अगर ये सील एसी होगी तो एसी तरीके से, या फिर यहाँ पे एक सील होती है, तो एक सिलेंडर वाला जिसमें सील हो। कमरे जो हो गया उसमें, हाँ वन टाइम खाली हो गया। दूसरा वाला क्या, उसमें गैस नहीं है? गैस नहीं है सर, क्योंकि वो अगर पंक्चर होता तो ऑपरेट होता, या फिर इस तरीके की सील रहेगी, ये सील भी इस तरीके से। पाउडर के अलावा और भी कुछ आता है दूसरा भी? बहुत सारे फॉर्म में आता है सर, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी में ये भी काम आएगा? ये काम आएगा लेकिन मशीन डैमेज कर देगा, क्योंकि केमिकल है। इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट या जितने भी होते हैं उसके लिए CO2 टाइप गैस वाला होता है, ताकि गैस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाती है, इसलिए वो इंडोर्स के लिए होते हैं। अब जैसे यहाँ पे इतने में भी ये हमको परेशान कर रहा था, अभी हवा होती तो आप सब उस तरफ जाने लग जाते कि ये हमारे ऊपर आ रहा है। इसको हमने लिया, इसकी सील हटा दी, सील हटा के वैसी लॉक पिन इसमें है, इसको भी बाहर निकाल दिया, इसको पकड़ा। इस तरीके से इसको चलाना है। दूसरा फील्ड में चला रहे हैं तो हवा का डायरेक्शन देख के चलाना है, ऐसा नहीं कि इसकी लपटे इस तरफ हो और हम इधर की तरफ से इसको चलाएं, उस स्थिति में भी ये काम नहीं करेगा। को नहीं मालूम है इसकी लॉक पिन निकाल लो, नहीं चल रहा है, बाहर निकाल लो, ये येलो कैप भी बाहर निकालो, ये लीवर लीवर निकालो, इसको एक हाथ से बस पकड़ लो, चला रोक दो थोड़ा सा, हम रोक के देखो जहाँ लगातार अगर अपन चलाएंगे। अभी आग क्यों जल रही है, क्योंकि जहाँ हवा होती है वही आग होती है, नहीं तो जलती ही रहेगी। और अगर अपन गैस वाला सिलेंडर चलाते तो ये आग नहीं बुझती, क्योंकि घास हल्की है, कपड़ा हल्का होता है, कागज हल्का होता है, तो उस प्रेशर से वो कपड़ा ही उड़ के और आगे चल जाता और आग को बढ़ा देता। जैसी आग वैसा सिलेंडर, हाँ साइड में, इससे आपके हथेली से तेज मार लो इसको, बस ये पाउडर आपका इतनी दूर जा रहा है तो ये इस पौधे पर भी जाएगा, और आप अगर वहाँ तो हमको ये पाउडर का CO2 क्या है? नहीं, ये ड्राई पाउडर है तो वॉक्स के लिए हानिकारक नहीं, मतलब अभी स्थिति में ऐसा नहीं है, लगातार अगर उसको एक बार करने के बाद कदम होते ही रुकेगा।